ठंडी के सीजन आते ही ढेर सारे साग और सब्जी मिलने लगते हैं और सही माने में ठंडी के सीजन में ही साग और सब्जी खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। जहाँ तक बात है साग का, तो साग में सबसे पहले सरसों का साग आता है। सरसों का साग पूरे देश में बनाया जाता है मगर पंजाब में इसे विशेष रूप से बनाया जाता है। तो मैं आपको बहुत ही सरल विधि से आज सरसों का साग बनाने का विधि बता रही हूँ। तो मेरे बताए गए विधि के अनुसार सरसों के साग बनाइए और फिर देखिए वह कितना टेस्टी लगता है। तो आइए हम साग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 किलो सरसों का साग, 3 पाव पालक और पाव भर बथुआ का साग, इन तीनों साग को लेकर इसके डंठल हटाकर पत्तियों को बारीक में काट ली हूँ। ध्यान रखिए साग को जितना बारीक काटिएगा उतना ही जल्दी गलेगा और उतना ही टेस्टी लगेगा। इसको बारीक काटने के बाद 3-4 बार साफ पानी से धुल दी हूँ। साग को बार बार धुलना चाहिए क्योंकि ये पत्तेदार जो भी सब्जी है उसको कम से कम 3-4 बार तो साफ पानी से धुलना ही चाहिए। फिर मैं इसको प्रेशर कुकर में डालकर 3-4 बार सीटी आने तक इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाऊंगी। तो देखिए मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और इसको प्रेशर आने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ। एक साथ पूरा साग इसमें नहीं आएगा तो मैं इसको ढक्कन से ढक दे रही हूँ। साग जो है गल के कम हो जाएगा, फिर मैं और भी इसमें साग डालूंगी। जब 3-4 बार हमारा साग जो है ये अच्छे प्रकार से सीटी दे दे फिर आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ। देखिए पत्तेदार साग जो है कितनी अच्छी तरीके से गल गया है। जब ये पक जाए तो एक कटोरी में मैं 3-4 चम्मच मक्के का आटा ली हूँ। इसमें मैं पानी मिला दूंगी और पानी मिलाकर मैं इसे गाढ़ा पेस्ट तैयार करूंगी और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं इस साग में मिला दूंगी। ध्यान रखिए मक्के के आटा को आप कटोरी में डाल के और ठंडे पानी में ही खोल लीजिए, नहीं तो साग में डालने के बाद इसकी छोटी छोटी गुठली बन जाएगी तो वो टेस्टी नहीं लगेगा। इसके बाद मैं साग में डाल के इसको अच्छी तरीके से खुले में ही पकाऊंगी। इसको कम आंच पर धीरे धीरे करके मैं मिलाते जाऊंगी ताकि पूरा जो साग है इसमें मक्के का आटा अच्छी प्रकार से मिल जाए। जब ये मक्के का आटा मिल जाए तो एक मथनी लूंगी और मथनी लेकर मैं कम आंच पर गैस पे ही इसको मैं अच्छे प्रकार से मथूंगी। ध्यान रखिए इसको 2 से 5 मिनट तक अच्छे प्रकार से मथिए। ये जितना मथाएगा, जितना इसको मथनी कहा जाता है, ये जितना मथाएगा उतना ही ये इसका मिक्सचर जो है वो क्रीमी होगा और टेस्टी लगेगा। तड़के की तैयारी के लिए हम एक कढ़ाई लिए हैं। कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। घी देसी घी हो तो और भी टेस्टी लगेगा। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें 2 हरा मिर्चा है जिसको हम बीच से काट लिए हैं और 2 लाल मिर्चा है, इसको हम गर्म घी में अच्छे प्रकार से भून लेंगे। जब मिर्चा थोड़ा पक जाए तो इसको हम घी से निकाल देंगे। अब मैं 5 से 6 हरा मिर्चा और 3 से 4 गांठ लहसुन का था जिसको मैं छीलकर बारीक कद्दूकस कर ली हूँ। बचे हुए गरम घी में इसको डालकर मैं थोड़ा भूनूंगी। इसके बाद मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा था इसको भी मैं कद्दूकस कर ली हूँ। इन तीनों को मैं डालकर नम होने तक भूनूंगी। इसके बाद मैं 4 से 5 प्याज था इसको भी मैं बारीक कद्दूकस कर ली हूँ। ध्यान रखिए सबको आप जितना बारीक काटिएगा उतना ही अच्छा ये मिल जाएगा। अब इसको सभी मसालों को मैं घी में भूनूंगी। इसमें किसी प्रकार का गरम मसाला, जीरा कुछ नहीं डालूंगी और प्याज नम होने तक मैं इसको धीरे धीरे भूनूंगी। अब हमारा प्याज जो है ये नम पड़ गया है तो इसमें मैं 3 टमाटर था इसको भी मैं कद्दूकस कर ली हूँ और इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। अब सबको मैं एक साथ मिलाकर थोड़ा देर पका लूँगी। अब टमाटर और प्याज को पकने के लिए मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। ध्यान रखिए साग में हमेशा थोड़ा कम ही नमक डाला जाता है तो मैं स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ और इन सबको मैं एक साथ मिला दूंगी। लगभग 1 मिनट भुनने के बाद इसमें हम घर में बना हुआ मक्खन करीब 2 से 3 चम्मच डालेंगे। आप बाजार का भी मक्खन डाल सकते हैं मगर घर के मक्खन से इसका स्वाद जो है ये बहुत ही टेस्टी आता है।
लगभग 2-3 मिनट इसको भुनने के बाद जो मसाला है इसमें से घी निकलने लगेगा, तो आप समझ जाइए कि ये भुना गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पूरा साग जो है ये डाल देंगे। आप देखिए साग का टेक्सचर कितना क्रीमी आया है। इसको मथनी से लगभग 5 मिनट तक हमने मिलाया है। अब इसको हम कढ़ाई में डालकर धीमी आँच पर पकने तक इसको हम मिलाएंगे और पकाएंगे। अब हमारा साग जो है लगभग 1-2 मिनट पकेगा और फिर ये साग जो है सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीके से मैंने आपको साग बनाना बता दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।